हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। की हाल चाल जी, कैसे हो? ठीक हो? आई होप तुसी सारे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ते भाजी दा क्वेश्चन है, भाजी इंडियन एम्बेसी की तारीख भी दसो। सारे ही पता है जी, किसी तो पर्दा नहीं है कि एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स अपनी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे खोल दी है, 10 से 1 के बीच में। उनके पोर्टल पर भी शो करता है, वेबसाइट पर भी शो करता है, और खुलती भी अपॉइंटमेंट जरूर, हमने खुद वेरीफाई करी है। पर चक्कर ये, खुलती सिर्फ 1 सेकंड के लिए है। कैप्चा जब हम भरते हैं, कैप्चा खुल भरने के बाद जब तक डिटेल भर के लास्ट पे आते हैं, तब तक डेट्स खत्म हो जाती हैं। तो पिछले 1 वीक से बहुत ज़्यादा ये चीज़ और टाइट हो गई है कि मतलब पहले 15-20 सेकंड मिलते थे, अब तो 1 सेकंड के अंदर ही सारी अपॉइंटमेंट्स बुक हो जाती है। और जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस चीज़ का कमेंट में बिल्कुल इस चीज़ की पुष्टि करेंगे कि ये चीज़ सेम ऐदा ही होंगी है, नहीं चेक होंगी अपॉइंटमेंट्स। अब सारे के सारे जो इंडियंस अपने हैं जिन्होंने एम्बेसी की सर्विस की लोड हैगी है, बहुत प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम बन चुकी है। एम्बेसी इसका हर बार नया नया सोल्यूशन निकाल के आती है लोगों की फ़ायदे के लिए, बेनिफिट के लिए, पर हर बार ये सोल्यूशन और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। पहले संपर्क सीगा, संपर्क में जो पुराने लोगों को पता ही होगा कि सर्वर डाउन हो जाता था। सर्वर डाउन होने के बाद डेट उठती थी, पर 1, 2, 3 डेट ऐसे उठ जाती थी फैमिली की अगर कोई है तो। उसके बाद आया जी कैलेंडली। कैलेंडली के अंदर भी ये सिस्टम पेमेंट का, पहले विदाउट पेमेंट था, उसमें अच्छा खासा चल रहा था, लोगों ने अपने अपने अपॉइंटमेंट्स उठाई, सब लोगों ने, लोग ठीक थे, खुश थे। उसके बाद पेमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया एम्बेसी ने, ताकि थर्ड पार्टी जो एजेंट्स है जो ज़्यादा चार्ज करते हैं, वो ना कर पाए इस चीज़ को, क्योंकि कई लोग 150-200 भी चार्ज कर रहे हैं इस चीज़ का, है ना। तो बहुत ज़्यादा हायर साइड पे होगा। नॉर्मल सर्विस फीस सबको लेनी चाहिए, जो अपना दुकान वकान खोल के बैठे हैं, वो कोई चक्कर वाली बात नहीं है, पर ये 150, 200, 300 तो बहुत ज़्यादा हायर एंड्स पे है। तो इसके लिए एम्बेसी ने इसमें पेमेंट का वो इंक्लूड किया सिस्टम, तो वो भी इसका भी जो है सोल्यूशन निकाल लिया, जिन लोगों को निकालना था। तंग आके एम्बेसी ने नया जोहो वाला सिस्टम स्टार्ट किया, अभी रिसेंटली जो चल रहा है उसमें भी आप लोगों को पता है कि उसमें भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रखी है कि अभी ख़त्म है सिस्टम, सारा ख़त्म है। मतलब कोई बेसिक नॉर्मल आदमी तो डेट उठा ही नहीं सकता है जी। हम लोगों को भी जी इंडस्ट्री में 10 साल हो गए, जो लोग जानते हैं हमको इंडस्ट्री में 10 साल हो गए हैं, और वैसे मेरे को इस फील्ड में काम करते हुए 16 साल हो गए हैं। हम लोग सारे दिन कंप्यूटर्स पे, पीसीज पे रहते हैं, और हम लोगों के लिए जब पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एक आम बंदे के लिए उठानी अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम इस चीज़ से 100% अग्री करते हैं, और जो लोग हमको जानते हैं, जिन लोगों ने हमसे काम कराया है, उनको पता भी है हमारा क्या है, कैसा नहीं है काम करने का तरीका। हम लोग स्टार्टिंग में 30 यूरो चार्ज करते थे अपॉइंटमेंट्स का, जिस टाइम सब कुछ बेसिक था। कोविड भी आया, पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुई, सब कुछ हुआ, हमने चार्ज सेम रखे, पर इस टाइम पर पॉसिबिलिटी है ही नहीं। लोग हमारे पास आते हैं, या तो हमको उनको तीन चॉइसेस होती है, या तो हमको बोलना पड़ता है, हमको सीधी बात उनसे, या तो हम किसी और से उठा के देंगे जी आपको, क्योंकि हमारे पास की नहीं है, या तो हमको बोलना पड़ता है उनको, या आप खुद ट्राई करो एम्बेसी पोर्टल पर, या तो हमको बोलना पड़ता है एम्बेसी को मेल करो। अगर इसमें कोई भी गलत चीज़ अगर आपको लगती हो, कमेंट में बता सकते हैं कि अगर मैं आपको कुछ गलत बोल रहा हूँ, और अगर सही बोल रहा हूँ तो वो भी ज़रूर बताएं कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमको सोल्यूशन इसका करना चाहिए, और किसी ना किसी को स्टैंड इसका लेना चाहिए। एम्बेसी भी इसमें हमारी हेल्प करना चाहती है, पर वो इस टाइम पर फेल हो रही है इस चीज़ में। अब अगर एम्बेसी को कोई ईमेल भी करता है, तो एम्बेसी उसको रिप्लाई करना चाहती है अपॉइंटमेंट्स के साथ, पर प्रॉब्लम यह है कि एम्बेसी कैसे वेरीफाई करेगी कि ये बंदा खुद ही ईमेल कर रहा है, ये थर्ड पार्टी को नहीं ईमेल कर रही, कोई कोई एजेंट तो नहीं ईमेल कर रहा, क्योंकि एम्बेसी को भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई एजेंट नॉर्मल अपनी फीस चार्ज कर रहा है, जो स्पेंड सर्विस फीस ले रहा है, जब वो अपने टाइम देगा तो सर्विस लेगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं। पर हाई रेंट पे जो चार्जेस हो रहे हैं, इससे इंडिया का नाम बदनाम होता है, एम्बेसी का नाम बदनाम होता है, और अपनी कम्युनिटी का नाम सबसे ज़्यादा बदनाम होता ही होता है। तो जी, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने थोड़ा सा सोल्यूशन अभी निकालने की कोशिश करी है, जो कि हो सकता है कि पता नहीं सही है गलत है, वो तो आप सबके सबने डिसाइड करना है। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग, जैसे हम लोग इतने साल हो गए, हम एम्बेसी के लिए भी काम कर चुके हैं, हम लोग कम्युनिटीज़ के लिए भी काम कर चुके हैं, हमने हम सब बंदे हमको जानते भी, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये चीज़ कि हम अपनी ईमेल से एम्बेसी को मेल करते थे अपॉइंटमेंट्स के लिए, कि इस बंदे को अपॉइंटमेंट चाहिए, इस बंदे का ये रीज़न है, वैलिड रीज़न होना चाहिए। पहली चीज़, कोई जैसे PCC की डिमांड आई है SF से, IMA से, वो होना चाहिए, या पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, या लॉस्ट हो गया, या डैमेज हो गया, या कोई इंडिया में कोई पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कराने के लिए अर्जेंट डेट है, कुछ अर्जेंसी अगर केसेस है, तो उस केसेस में हम लोग अपॉइंटमेंट की डिमांड करते थे एम्बेसी से। अपनी गारंटी रखते कि हमने वेरीफाई किया है बंदा पुर्तगाल में है, दूसरी चीज़ बंदे ने खुद डिमांड किया है, और बंदा हमको कंसेंट दे रहा है ईमेल करने के लिए, तो इस चीज़ में क्लियर होता है कि बंदा खुद ही आया हमारे पास। और इस चीज़ को देख के एम्बेसी हमको अपॉइंटमेंट्स दे भी देती थी, हम वही चीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं, और इस चीज़ के बदले में ये चीज़ हम गारंटी देते हैं आप लोगों को कि ये सर्विस करने के लिए हम लोग कोई फीस नहीं चार्ज करेंगे आप लोगों से। हमारे पास इस चीज़ करने के लिए हम लोग, अगर आप ये चीज़ कंटिन्यू करना चाहते हो आप लोग हमारे साथ, आपको अपॉइंटमेंट एम्बेसी देती है नहीं देती, वो तो एम्बेसी के हाथ में। हम लोग पूरी फाइल बना के आपके अच्छी तरीके से प्रॉपर जो स्टोरी है वो बना के एम्बेसी को मेल करेंगे।
अपना टाइम लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर आपसे इस चीज़ का कोई चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ये चीज़ एकदम नॉर्मल हो जाए जैसे होता था। इसका कोई और सोल्यूशन भी हो तो आप वो भी बताना, पर हम ये अभी सोच रहे थे कि ये स्टार्ट करेंगे हम इस चीज़ के लिए। पर हमको जिन लोगों को ज़रूरत है ये सर्विस हमसे अवेल करने के लिए, हम लोग ये चाहते हैं कि जो लोग आसपास रहते हैं एरियाज में, वो तो हमारे ऑफिस विजिट करें जी, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके विजिट करना अपने, क्योंकि हमको जब मेल करने तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे कंप्लीट होने चाहिए, तभी हम एम्बेसी मेल कर सकते हैं। नहीं तो एम्बेसी देखेगी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं देंगे आपको, या फिर कोई अर्जेंसी होनी चाहिए आपकी। और जो लोग पुर्तगाल में जैसे लिस्बन से बाहर रहते हैं, पोर्टो रहता है, कोई फारो रहता है, या फिर कोई आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, जिन लोगों को ऑफिस विजिट करना पॉसिबल नहीं है, उनको यही है कि एक तो जब मैसेज करेंगे तो थोड़ा मैसेज लेट रिप्लाई आएगा, वो प्लीज़ आप थोड़ा करा करो, क्योंकि देखो ऑफिस में हमारे जो आते हैं पहले हमारी प्रायोरिटी उनके लिए होती है। दूसरा, हम उनकी भी हेल्प करना ज़रूर चाहेंगे, उसके लिए हम ये कहेंगे कि हमको एक वीडियो बना के भेजो किसी भी पुर्तगीज़ मार्केट के सामने, जैसे हो गया पिंगो दोस या मिनी प्रेस, जिससे हमको प्रूव हो जाए कि पुर्तगाल में, पुर्तगाल से बाहर नहीं हो, क्योंकि जब हम गारंटी ले रहे हैं कि हमने बंदे से देखा है बंदे को पुर्तगाल में, कुछ तो हमको भी प्रूफ चाहिए चीज़ें पुर्तगाल में हो, और आपकी शक्ल भी आनी चाहिए वीडियो में, तो प्रूफ हो जाएगा कि बंदा खुद ही हमको अपॉइंटमेंट मांग रहा है और बंदा पुर्तगाल में है। तो हम आपके हेल्प बना के आपकी भी भेज देंगे अगर आप ऑफिस नहीं भी आ सकते हो तो। ये सोल्यूशन छोटा सा हमने अभी सोचा है इसके बारे में। अब मेरे को नहीं पता है कि ये जितनी मेरी सोच है मैं तो वही सोचूंगा, हो सकता है मेरी सोच कम है ज़्यादा है वो मेरे को नहीं पता, वो आप लोग बताओ कि सही है ही गलत है। पर हाँ, हम ये बिल्कुल मानते हैं कि ये चीज़ बढ़ रही है आगे, इसको कम करने के लिए हमने चीज़ सोची है। पहले भी एम्बेसी हमको ऐसे अपॉइंटमेंट दे देती थी, अब हम ये चीज़ दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं, और हम लोग गारंटी लेना चाहते हैं, और जब गारंटी लेना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि आगे से कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई बंदा हमारे साथ गलत ना करे, ताकि हमारा नाम ना बदनाम हो इसमें आगे। और जो लोग इसमें वॉलंटियर करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हमको भी मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ में, हो सकता है आगे जाकर कि जब अभी तो थोड़े बहुत आएंगे, जब बाद में ज़्यादा लोग आएंगे, लोग ज़्यादा है, क्योंकि एम्बेसी के अकॉर्डिंग एम्बेसी कहती है कि एम्बेसी 88 स्लॉट्स रिलीज़ करती है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, उसी ही वेडनेसडे होता है उसका तो अलग है। चलो तो इसमें क्या है क्या नहीं है अभी वो हम कम से कम स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि 10-20 किसी को भी, अगर इतने बंदों को भी डेली की परमिट्स मिल रही है हमारी तरफ से, तो हमारे को लगेगा कि कम्युनिटी के लिए छोटा सा एक जो वो है काम हमने करा है, तो हमको अच्छा लगेगा वो। और बार बार मैं कह रहा हूँ, मेरे या हमारी टीम में से कोई भी आपको इस चीज़ का करने, इस ईमेल करने का अपॉइंटमेंट के लिए कोई चार्ज नहीं करेंगे, कोई फीस हम चार्ज आपसे नहीं करेंगे। तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करिए, और कुछ हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपने कमेंट्स में बताइए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।